नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। दाइयों राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरपी सिंह को शासन ने हटा दिया है। इसके साथ ही कई और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। आपको बता दें कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में लगातार हो रही मौतों और अव्यवस्थाओं को लेकर शेखपुर विधायक धर्मेंद्र शाक्य ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र लिखा था, जिसके बाद शासन द्वारा उनका ट्रांसफर फतेहपुर मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया। जिले का राजकीय मेडिकल कॉलेज L2 अस्पताल है। यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं फेल होने के लगातार आरोप मेडिकल कॉलेज पर लगते रहे हैं। दो दिन पहले शेखपुर विधायक धर्म शाक्य ने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिकायत मिलने के बाद उन्होंने इसको लेकर यहाँ के प्राचार्य से बात भी की तथा अधिकारियों से भी व्यवस्थाओं में सुधार लाने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पूरे मामले की पत्र के द्वारा शिकायत भी की, जिसके बाद शासन ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरपी सिंह का ट्रांसफर फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में इसी पद पर कर दिया। आपको बता दें कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में संक्रमित मरीजों की हुई मौत के आंकड़ों में लगातार खेल चल रहा था, जिसके बाद शासन द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। फिलहाल डॉक्टर आरपी सिंह को यहां से हटाए जाने के बाद अभी किसी नए प्राचार्य की तैनाती नहीं हो पाई है। मेडिकल कॉलेज का कार्यभार CMS डॉक्टर CP सिंह को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। प्राचार्य को हटाने के बाद ये माना जा रहा है कि विधायक द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर अभी कुछ और अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। बदायूं से सौरभ, न्यूज वन इंडिया। उसके बाद फिर ये शाम का खाना 11 बज रहा है, 11:30 बज रहा है और अभी तक हमें खाना नहीं मिला। अच्छा, दवा हमें पकड़ा दी गई है 8 बजे ही। अच्छा अच्छा, दवा खाएं, आराम करें, कब तक इंतजार देखें हमें? सही बात है आपकी। तो आप प्लीज जरा इस चीज को देखें, जब भी पूछा जाता है तो खाना नीचे बट रहा है। महाराजगंज के गुगली कस्बे में चल रहे राष्ट्रीय अस्पताल में गुरुवार को अस्पताल की लापरवाही से जच्चा बच्चा दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। परिजन जच्चा बच्चा की मौत के बाद शव को अस्पताल के बाहर रखकर हंगामा करने लगे और अस्पताल के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मंत्री कमला प्रसाद रावत का निधन हो गया है। कांग्रेस, BSP और समाजवादी से लगातार जिले के कद्दावर नेता रहे हैं कमला प्रसाद। बीती रात बाराबंकी के सफेदाबाद मेव अस्पताल में उनका निधन हुआ। लंबे समय से बीमार चल रहे थे कमला प्रसाद रावत। निधन से जिले में शोक की लहर है। बाराबंकी के मुजफ्फरपुर जहांगीराबाद गाँव में होगा अंतिम संस्कार। नोएडा के थाना सेक्टर 24 पुलिस और क्राइम ब्रांच ने आज रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ये लोग जरूरतमंद मरीजों का फायदा उठाकर उनको 25,000 से 35,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से रेमडेसिविर इंजेक्शन, 3 मोबाइल और 1 कार बरामद की है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग वही है जो आपदा में भी अपना मुनाफा लेने के लिए लोगों की जान से खेल रहे हैं। नोएडा के DCP क्राइम अभिषेक सिंह ने बताया कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस और क्राइम ब्रांच नोएडा की कार्रवाई में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 3 अभियुक्तों हमजा मुजिबुर, डॉक्टर निशरत इमाम को गिरफ्तार किया गया। तीनों व्यक्तियों में डॉक्टर इमाम, जिसने स्वयं को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल दिल्ली में कार्यरत बताया है, अपने 2 साथियों हमजा और मुजबिक के साथ मिलकर जरूरतमंदों को 35,000 तक का ये इंजेक्शन बेच रहा था। डॉक्टर इमाम द्वारा NCR क्षेत्र में अस्पतालों में सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसे वो अस्पतालों से जरूरतमंदों के नाम पर इंजेक्शन प्राप्त कर लेता था और अपने साथियों के साथ मिलकर जरूरतमंदों को 25,000 से 35,000 में 1 रेमडेसिविर बेचता था। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ धारा 420, धारा 18A, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और धारा 3 महामारी अधिनियम 1897 और धारा 52/53 आपदा प्रतिबंधन अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। माननीय आयुक्त महोदय तथा अन्य उच्चाधिकारियों के निर्देशों में कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर की पुलिस को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में एक अहम सफलता मिली। 29 अप्रैल 2021 को क्राइम ब्रांच और सेक्टर 24 थाने की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 3 वायल्स के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 व्यक्ति मुजीब, हमजा तथा डॉक्टर इमाम को गिरफ्तार किया गया है। मुजीब और हमजा, ये इनमें से एक जो है वो गाजियाबाद में एक मनी ट्रांसफ़र की दुकान चलाता था और दूसरा जो है वो नोएडा में एक फार्मेसी में काम करता था। और इनकी मुलाकात डॉक्टर इमाम से, जिसके द्वारा लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल दिल्ली में कार्य करना बताया गया है, उससे अपने एक रिलेटिव के माध्यम से संपर्क हुआ था, जब ये उसके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्रोक्योरमेंट की कोशिश कर रहे थे और उस इंजेक्शन को इन्होंने जो है उसके बाद उसका कालाबाजारी करना शुरू कर दिया और डॉक्टर इमाम के माध्यम से ये ऐसे गैर ज़रूरतमंद पेशेंट से
जिनकी आवश्यकता के उपरांत जो है उनके पास इंजेक्शन बच गए हों या उन्हें आवश्यकता ना हो, उनसे ये इंजेक्शन नॉर्मल रेट्स पर खरीदते थे और उससे जो है करीब 35,000 रुपये में मार्केट में बेचते थे और प्रॉफिट शेयर करते थे। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है और अभी तक इनके द्वारा तकरीबन 10-12 इंजेक्शन जो है बेचना बताया गया है ब्लैक में, जिसके विषय में विस्तृत जानकारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।